भारत का सबसे भरोसेमंद रोजमर्रा सामान बेचने वाला ब्रांड बनने के बाद योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने टेलीकॉम सेक्टर में उतरने का ऐलान कर दिया है। एक इवेंट में बाबा रामदेव ने स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड लॉन्च किया। इसे BSNL के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। अभी शुरुआत में पतंजलि कंपनी के कर्मचारी ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जब सिम को पूरे देश के लिए लॉन्च किया जाएगा तो जिन लोगों के पास यह कार्ड होगा उन्हें पतंजलि की चीजों में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस सिम में 144 रुपये के रिचार्ज पर पूरे देश में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही 2 GB डेटा और 100 MMS मिलेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता को हेल्थ, एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिलेगा। इस मौके पर बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि भारत सरकार की कंपनी BSNL एक स्वदेशी नेटवर्क है। साथ ही पतंजलि और BSNL का मकसद देश का कल्याण करना है। देश भर में BSNL के 5,00,000 काउंटर हैं, जहां से लोग जल्दी ही पतंजलि स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड खरीद सकेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाबा ने अपने सिम कार्ड के बारे में आगे बातचीत करते हुए कहा कि लुभाने वाले डेटा पैक और कॉल पैकेज के साथ कार्ड के साथ मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। यह क्रमशः 2.5 लाख और 5,00,000 रुपए का होगा। बहरहाल इस कवर का लाभ सिर्फ रोड एक्सीडेंट पर ही लिया जा सकता है। BSNL के जनरल मैनेजर सुनील गर्ग, जो इस इवेंट में मौजूद थे, उन्होंने भी पतंजलि के साथ BSNL के टाइप की तारीफ की। उन्होंने कहा, पतंजलि जो प्लान लेकर आया है वह बेस्ट है। 144 रुपये में यूजर पूरे देश में अनलिमिटेड कॉल कर सकता है। हम 2 GB डेटा पैक और 100 SMS दे रहे हैं। यह सिम कुछ पैपावत करने के बाद तुरंत चालू कर दिया जाएगा।